मैं ये सोच रही हूँ 7.5 मिनट मैं पढ़ लूँ, 7.5 मिनट। अनामिका जी 15 मिनट तो आप खाली खड़े रहिए, कविता तो उसके बाद सुनाइएगा। आप अपने दाएं हाथ को ऐसे करें, अब इसमें अपने पति को देखें, कोशिश करें ताली बजाने की। हाँ, एक बार बजाकर दिखाएं, ताली बजाकर बताएं जितनी नारियां यहाँ बैठी हैं। मार तो रही है, धीरे धीरे मार रही है, सहला रही है, मार कर रही है। ये आपका 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओ, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी, लेकर के राखी। 15 मिनट का समय है जिस हिसाब से खत्म करना था, हालांकि 15 मिनट में हम शुरू भी नहीं हो पाते। समय आप मत देखिए। नहीं देखो, आपने पहले बताया था तो अब देखना पड़ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ 7.5 मिनट मैं पढ़ लूँ, 7.5 मिनट। अनामिका जी 15 मिनट तो आप खाली खड़े रहिए, कविता तो उसके बाद सुनाइएगा। बिल्कुल मुझे पता था कि ऐसी कोई बात। आप बैठ जाइए भाई साहब, ये तो उम्मीदवारी में खड़े हैं, प्रधानी का इलेक्शन। ना, मैं ये सोच रही हूँ, नहीं आप वहीं कहीं बैठ जाइए, आपके चलने से धरती हिल रही है। ये स्वादिष्ट सा पड़ोस ढूंढ रहे हैं, तो स्वादिष्ट सा पड़ोस मिले, सीधे मंच पर आ जाएंगे। हाँ नहीं, यहाँ कोई नहीं बुला रहा, वो शंभू अति उत्साह में है यहाँ तो। बल्कि हाँ, आप वो कर लीजिए, ये आपका 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। हाँ पधारे आप भी, नहीं कोई नहीं बुला रहा, आप बैठे। भाई साहब ने तो दिल पे ले लिया। बल्कि मैं एक बात कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है, बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बहुत आभार पीछे वालों, आपकी आवाज यहाँ तक आई, ऐसे ही आपको जुड़े रहना है, धन्यवाद। बीच में नहीं नहीं, ये टेंशन में है, मूड तो बहुत अच्छे है। संचालक का मूड बनाइए आप। अच्छा, आपने यहाँ मुझे कारोबार के सरकारी बन गया। चलो मैं बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अब मैं शंभू जी का मूड बना देती हूँ। सुने कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, देखा कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी, तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओ, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी, लेकर के राखी। ठीक कह रही है अनामिका जी। हाँ। अनामिका जी के यहाँ पे शायद ये परंपरा हो कि रक्षाबंधन और वैलेंटाइन डे एक ही दिन मनाया जाता हो। नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ये परंपरा है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि भाई के पास अकेले नहीं जाते, पति को भी साथ ले जाते हैं। बहुत मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, करिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बिल्कुल। मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ, 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ, बस आपकी आह वाह मुझ तक पहुँचती रहे, मैं अपनी बात आप तक पहुँचा दूँ। सुनिएगा कि मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। वाह वाह वाह, आती रहे, आपको भूलना नहीं है ये मोहल्ला भी। नारियां बिल्कुल चुपचाप बैठी हैं, आप लोगों को चुप नहीं बैठना है, आपको ताली बजानी है। मैं बताती हूँ कैसे बजानी है। आप अपने दाएं हाथ को ऐसे करें, अब इसमें अपने पति को देखें, कोशिश करें ताली बजाने की। हाँ, एक बार बजाकर दिखाएं, ताली बजाकर बताएं जितनी नारियां यहाँ बैठी हैं। मार तो रही है, धीरे धीरे मार रही है, सहला रही है, मार कर रही है। अच्छा, जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है, वो भी अपने दाएं हाथ को ऐसे उठाएं। कितने जल्दी उठा लिया, एक भी नहीं हुआ। देखो बाबी जी सिंह साहब, दोनों उठाने की कोशिश करिए,
अपनी पत्नी को नहीं देखना है, उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपका विवाह कराया है। अब एक बार पूरा सर ताली बजा करके मुझे आदेशित करें। सारे पति पत्नी पीड़ित बैठे, पंक्तियां निवेदित करती हूँ आपकी आवाज के साथ, सुनिए। मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। अब चौथी पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ और आप मुझे वो पूर्ण समर्थन दीजिए ताकि मैं अपनी बात आप तक पूर्ण रूप से पहुंचा सकूं। आपका मन मांगती हूँ, मंच का मन चाहती हूँ। सुनेगा कि मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी चाहत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी मैं, नफरत को भी देखूंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहब्बत को भी देखूंगी मैं, नफरत को भी देखूंगी। एक बात सुनिए, यदि मैं ये कह सकती हूँ कि आपको बीच में बोलना है, आवाह करनी है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको बाहर निकलना है, तो मेरे पास सारे अधिकार हैं। जहाँ बात अच्छी लगे वहाँ वाह करें और सलीके से वाह करें और सुनाए मुझे। सुनिएगा मेरी बात आप तक पहुंचे और आपकी बात मुझ तक पहुंचे। मेरे हमदम मेरे दिल पर मेरे हमराज सुन लेना, सरम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है तो चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार रहे। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन ले। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना, क्योंकि मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा शाम है। आज के हीरो ये। अच्छा आप कहें तो आपको इंडिविजुअल रूप से चार पंक्तियां समर्पित करते हैं, सुनिए। अच्छा अब मेरे समझ में आया कि ये किस बात का प्रताप है, इनका नाम नरेंद्र जी है और पूरे देश में यही चल रहा है, तभी
वरना कौन ध्यान दे रहा था। हाँ नहीं, इनका चेचस अलाउ नहीं करता भाई ध्यान दे। कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। मैं इन सबको, इन सबकी हर बात पे, हर आवाज पे इतनी प्रसन्न हूँ क्योंकि वो कर्ण प्रिय है, आपकी कर्ण प्रिय नहीं है। और ये मैं आपको आराम से बता रही हूँ, सुने। कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुड़ नहीं तो नीम भीना रस में होना चाहिए। और कब कहां कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। और नहीं है तो आप कृपया इस खूबसूरत महफिल की शान ना बने। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। शंभू जी आपका नंबर। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। क्या कह रहे थे, खाब में आ जाओ। के दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है।